हेलो गाइस, मैं एम के सिंह, आपका दोस्त। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल ऑलराउंडर एम के में। दोस्तों, आप लोग आईपीएल देखते हैं या फिर कोई भी क्रिकेट की कमेंट सुनते हैं या फिर टीवी पर देखते हैं, तो आपने वहाँ पर ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि ये लगा सिक्सर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये लगा सिक्स मिड विकेट के ऊपर से, और ये लगा चौका कवर पॉइंट की तरफ से। दोस्तों, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते होंगे इन नामों को लेकर कि कवर पॉइंट क्या होता है, मिड विकेट क्या होता है, लॉन्ग ऑन क्या होता है, मिड ऑन क्या होता है। तो आज मैं आपको इन सभी फील्डिंग पोजीशंस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा और आपको बताऊंगा कौन सी फील्डिंग पोजीशंस कहां पर होती है। ये हमारा जो है फील्डिंग पोजीशंस के बारे में है, और अगली वीडियो हमारे स्ट्रोक के बारे में होगी, कौन सा स्ट्रोक क्या कहलाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ताकि अगली बार आपको कमेंट्री सुनते हुए या फिर टीवी देखते हुए जब आप इन वर्ड्स को सुनेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल बस जाएगा कि हाँ भाई, ये क्या चीज़ होती है, और आप पूरी कमेंट्री का पूरा पूरा आनंद ले सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, बनाते हैं। हम सपोज कर लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक पिच है, ये हमारा पिच है, यहाँ बैट्समैन बैटिंग करता है। अब हम थर्ड यार्ड का सर्कल बना लेते हैं। दोस्तों, मेरी ड्राइंग को ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए आप मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ से समझ लीजिए। फिर हमने यहाँ पर ये 30 यार्ड का सर्कल बना दिया। उसके बाद हम ग्राउंड पूरा, जैसे कि आप पीछे तक कहीं भी ले सकते हैं, वो आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी क्रिकेट का ग्राउंड ही एक ऐसा ग्राउंड है जिसकी कोई शेप नहीं होती, ये कहीं कहीं अंडाकार भी होता है, कहीं बिल्कुल गोल भी होता है, और कहीं कहीं इसकी शेप बिल्कुल चौकोर भी हो जाती है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर साइड में। अब हम बात करते हैं एक राइट हैंड बैट्समैन के लिए। राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पर बैटिंग कर रहा है, बॉलर यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ से बॉलर अपना रन आउट लेते हुए आता है। अब आप कंडीशन समझ गए होंगे कि राइट हैंड बैट्समैन है, तो उसके लिए जो ये वाली साइड आएगी ये ऑफ साइड आती है, और ये जो साइड आएगी ऑन साइड बोल देते हैं या फिर लेग साइड बोल देते हैं। इतना तो खैर आप सब जानते ही होंगे, जहाँ तक मेरा सवाल है। अब इसके बाद आपकी बात आती है फील्डिंग पोजीशंस की। पीछे आपके विकेट कीपर होता है जेफ्ट, इसके तीनों यहाँ पर तीन स्लिप लगी होती हैं, ऑफ साइड में स्लिप्स होती हैं। अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो यहाँ पे भी हम एक स्लिप लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं लेग स्लिप। जो पीछे फील्डर लग जाता है हमारा, तो उसको हम लेग स्लिप बोल देते हैं, वो यहाँ पर पोजीशन की जा सकती है। अब सबसे करीब में जो पोजीशन होती है वो यहाँ पर होती है, इसको हम बोलते हैं स्लिप पॉइंट। अक्सर आपने टेस्ट मैच जब देखा होगा तो आपने यहाँ पर फील्डर लगा देखा होगा जो हेलमेट लगाया जाता है, और एक फील्डर आपने यहाँ देखा होगा जो हेलमेट लगाया खड़ा होता है पास के कैच पकड़ने के लिए। दोस्तों, ये जो पॉइंट होते हैं ये स्लिप पॉइंट है, और इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शॉर्ट लेग। अब ये तो हमारे बिल्कुल करीब वाले पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं थोड़ा इनसे दूर वाले पॉइंट्स की। अगर हम बिल्कुल दूर थोड़ा जाएं इनसे, तो यहाँ पर जो रीज़न आता है ये आता है कवर रीज़न। आपने कभी देखा हो कवर ड्राइव जो लगता है शॉट, बिल्कुल यहाँ से कवर लगता हो जाता है, तो ये कवर रीज़न आ जाता है। और हाँ, एक क्रिकेट का एक रूल है कि आप स्क्वेयर मतलब कि बैट्समैन के 90 डिग्री, जैसे यहाँ बैट्समैन खड़ा है तो यहाँ 90 डिग्री तक आप कोई फील्डर लगा नहीं सकते। अगर आप फील्डर बिल्कुल सीध में पाए जाते हैं तो वहाँ पर वो नो बॉल कर दी जाएगी, इसलिए फील्डर यहाँ पर गैप रख के थोड़ा इधर लगे होते हैं या इधर लगे होते हैं। तो ये जो हमारा स्क्वायर लेग अंपायर यहाँ पर खड़ा होता है, ताकि वो रन आउट और वाइड साइड की सब चेक करता है। अब बात करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट जैसे ये होता है, तो ये होता है पॉइंट। अब ये अगर थोड़ा बाहर बाउंड्री की तरफ आया है तो इसी को बोल देते हैं डीप पॉइंट। डीप का मतलब होता है अंदर, तो वो तो आप खुद ही समझ जाएंगे, पास में पॉइंट है तो अंदर डीप पॉइंट है। फिर ये स्लिप होती है, अगर स्लिप के थोड़ा स्लिप और पॉइंट के बीच में एक रीज़न होता है गली। जब कोई लेट कट खेलता है तो वो जो शॉट जाता है वो गली और स्लिप के बीच से निकलता है, कोई स्क्वायर कट खेलता है तो वो सीधे पॉइंट की तरफ से जाता है, पॉइंट और गली के बीच से, और कोई स्क्वायर कट खेलता है, स्क्वायर ड्राइव खेलता है तो वो सीधा पॉइंट। ये सारे शॉट्स जिस तरह के शॉट्स हैं, कौन कौन से शॉट्स कहलाए जाते हैं, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर एक गली हो गई थी, यहाँ पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच से जो नीचे बिल्कुल बाउंड्री पे आपने एक फील्डर लगाया होगा लिखा होगा था, तो बोलते हैं थर्ड मैन। कभी आपने ये देखा होगा कीपर्स जो होते हैं अपने, अगर यहाँ से बॉल छोड़ देते हैं, उनके हाथ से बॉल छूट जाती है, तो कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि ये बॉल बाहर जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री से। तो
ये थर्ड मैन बाउंड्री होती है। बिल्कुल सेम यही केस होता है इस साइड में, तो यहाँ पर जो होता है वो होता है फाइन लेग। फाइन लेग बाउंड्री होती है, अगर इधर से निकलती है तो फाइन लेग, इधर से निकलती है तो थर्ड मैन। ये आपके बिल्कुल बैक वाले एरिया आ गए हैं। अब यहाँ पर इनके अलावा कोई सा भी एरिया नहीं होता है जो कि हमारा बचा हो। अब दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ से, ये तो हमारा ऑफ साइड हो जाता है ऑन साइड की। अब यहाँ पर स्क्वायर लेग होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर लेग। यहाँ जो फिल्टर लगता है थोड़ा इधर उधर करके, उसको स्क्वायर लेग बोला जाता है। जो बिल्कुल पीछे आता है तो उसे बोलते हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग या फिर डीप स्क्वायर लेग। आपने कई बार देखा होगा कि बाउंड्री से छक्का जा रहा है डीप स्क्वायर लेग के बाहर से। ये जो शॉट्स होते हैं, ये जो इधर से निकल के बाउंड्री जाएगी वो स्क्वायर लेग से जाती है। अधिकतर फ्लिक जो होता है वो स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से निकल के जाता है शॉट। अब बात करते हैं कवर पॉइंट की। कवर और पॉइंट के बीच में जो एरिया होता है उसी को हम कवर पॉइंट बोलते हैं। अभी थोड़ा अंदर चला जाएगा तो इसको बोलते हैं डीप कवर पॉइंट। फिर कवर के पीछे होता है एक्स्ट्रा कवर। थोड़ा सा ऐसे कवर है तो थोड़ा इस साइड में एक्स्ट्रा कवर होता है, और यहाँ पर हो जाता है डीप एक्स्ट्रा कवर। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा कि कौन सी फील्डिंग पोजिशन कहाँ पर होती है। अब कवर हो जाता है, एक्स्ट्रा कवर हो जाता है, उसके बाद सबसे पीछे होता है डीप एक्स्ट्रा कवर। ऐसे ही यहाँ पर विकेट के बीच में जो फील्डर यहाँ पर लगता है उसे हम बोलते हैं मिड विकेट। और आपने ये बहुत देखा होगा, मिड विकेट तो एक ऐसा जो यहाँ पर हर बंदा शॉट मार लेता है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ना अपने जनरल इंडियन भाषा में लपेटना। तो वो जितने लपेटे हुए शॉट होते हैं वो मिड विकेट के पास से निकल जाते हैं, और मिड विकेट के थोड़ा अंदर बिल्कुल बाउंड्री के पास आ जाएँ तो वहाँ पर वो डीप मिड विकेट हो जाता है। सबसे ज़्यादा छक्के लगने वाला रीज़न क्रिकेट में यही है स्क्वायर के अलावा। फिर डीप मिड विकेट हो जाता है, फिर सबसे जो मेन पोजिशन होती है स्ट्रेट की। अब हमारी ऑफ साइड और लेग साइड लगभग पूरा कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं थोड़ा स्ट्रेट जाते हैं। स्ट्रेट में क्या होता है कि यहाँ पर कवर के थोड़ा इधर लगता है स्क्वायर लेग, ये ऑफ साइड में 30 यार्ड के पास बिल्कुल मिड ऑन। मिड ऑन का फील्डर यहाँ पर सिंगल्स रोकने के लिए होता है मिड ऑन के जस्ट पीछे। सॉरी, ये मिड ऑफ है क्योंकि हमारा राइट हैंड बैट्समैन है तो उसके लिए इधर ऑफ रीजन है, तो ये मिड ऑफ हो जाएगा। इसके जस्ट पीछे हो जाता है लॉन्ग ऑफ। उसके बाद यहाँ पे मिड ऑन होता है और इसके जस्ट पीछे लॉन्ग ऑन होता है। अब इनको थोड़ा इधर कर देते हैं या इधर कर देते हैं तो ये बाकी कहलाते हैं बाई डिश। आपने सुना होगा कि बाई डिश लॉन्ग ऑन हो जाता है, ये कि इधर ये बाई डिश लॉन्ग ऑफ हो जाता है। ये आपने कमेंट में बहुत सुना होगा कि बाई डिश लॉन्ग ऑफ है, थोड़ा फील्डर वाइडिश है, इस तरह से थोड़ा फील्डर डीप है। तो ये सब डीप मिड विकेट और ये सब होते हैं, ये पूरा रीजन जो कहलाता है ये डीप मिड विकेट कहलाता है। अगर थोड़ा इधर कर देंगे तो वाइडिश डीप मिड विकेट हो जाएगा, ये पीछे पूरा स्ट्रेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग हो जाता है, ये पूरा फाइन लेग हो जाता है, थर्ड मैन, ये गली पॉइंट, डीप पॉइंट, कवर, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, और यहाँ पर शॉर्ट लेग भी हो जाता है। शॉर्ट लेग थोड़ा पीछे हो जाता है, यहाँ पर शॉर्ट लेग का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है, फिल्टर की पोजीशन लगाते हैं। तो दोस्तों ये पोजीशंस थी जो क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग कमेंट्री करते वक्त इनको ध्यान से देखते भी होंगे, और आपके समय में जो लोग जानते हैं समय में आता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके समय में नहीं आता होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, आपके समझने के लिए नहीं, ये 11th 12th का जो क्रिकेट सेक्शन होता है फिजिकल एजुकेशन का, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा 25 मार्क्स में भी आता है। क्रिकेट जैसे कि हम CBSE के स्कूल्स होते हैं वहाँ पर लास्ट में एक फिजिकल एजुकेशन में ऑप्शन आता है। जब मैंने 12th किया था तो उसमें ऑप्शन आते थे कि आप किसी भी स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए, तो वहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में सारे क्वेश्चन जवाब देने होते थे, पूरा ग्राउंड बनाना पड़ता था। तो वही कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर ये बैट्समैन हमारा राइट हैंड बैट्समैन है, उसके लिए पूरा सब कुछ है। अगर यहाँ पर लेफ्टी हो जाता है तो ये जितना ये वाला जो एरिया है वो इधर आ जाएगा और ये वाला जो एरिया है वो इधर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।
ताकि वो लोग भी समझ जाएं कि क्रिकेट की कौन सी पोजीशन कहाँ पर होती है। एक बार मैं इसको आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप बिल्कुल पूरा, ये बिल्कुल क्रिकेट ग्राउंड जैसा ही है, आपको दिख रहा होगा कि कितना सब कुछ दिख रहा है, तो आप क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स की, स्क्वेयर ड्राइव, बैक फुट पंच और पंच सभी क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।